चतरा के मयूरहंड थाना क्षेत्र के इकलौता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर एक बार से विवादों में है, सुर्खियों में भी है। वैसे तो ये बैंक आए दिन चर्चा में रहता है अपने ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार के कारण, मानो आदत बन गई हो। पर इन बैंक कर्मियों के साथ आए दिन बैंक ग्राहकों का कोई ना कोई नोक झोंक होता रहता है। इसी तरह का मामला शनिवार को हुआ, जहां कर्मा निवासी व्यवसायी संतोष केसरी जब बैंक में पैसा निकासी करने गया और उनके 20,000 रुपए का पर्ची भर कर दिया गया, तो कैशियर प्रदीप कुमार ने उसे पैसे देने से मना कर दिया और बोला कि 10,000 ही मिलेगा। पर केसरी ने अपने पैसों की जरूरत की बात कही, पर बैंक कर्मियों के द्वारा एक भी ना सुनी गई और शाखा प्रबंधक के साथ तूतू मैं की गई। बैंक से पैसा निकालने के लिए गए, हम वहाँ गए तो हमको बोला कि आपको 10,000 रुपए देंगे। हम बोले 10,000 नहीं, हमको 20,000 का जरूरत है। बोला आपके पास ATM है ऑलरेडी, आप ATM लेकर के आइए, और ATM अगर नहीं लेके आइएगा तो पैसा 20,000 नहीं देंगे, 10,000 ही देंगे, और ATM से लाइएगा तो 20,000 देंगे। इतने ही में हम बोले कि ऐसा क्या नियम है, ऐसा क्या कानून है, आप हमको बताइए, आप हमको लिख करके दीजिए कि आप हमको अगर ATM से दीजिएगा तो 20,000 देंगे, और नॉन ATM खाता से पासबुक से दीजिएगा तो 10,000 ही देंगे। बस इतना ही मैटर है। इतना ही में मैनेजर साहब हमरे से भगजा कर लिए, उसके बाद में थाना फ़ोन लगाने लगे, तो हम गलती और माफ़ी भी मांगे कि चलिए हमसे गलती हो गई, हम आपसे पूछ दिए। चतरा मयूरहंड से मुन्ना कुमार की रिपोर्ट।